अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है मदीना में हमारा डे टू और अभी हम लोग तहज्जुद पढ़ेंगे। और ये है कुछ तहज्जुद का, यहाँ पर तहज्जुद की भी नमाज़ होती है, मक्का में भी होती थी, यहाँ पर भी होती है। तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर फजर पढ़ेंगे, फिर ताश की नमाज़ भी पढ़ लेंगे सोच रहे, और फिर घर आ जाएंगे मतलब होटल। और ये खूबसूरती चेक करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। सुबह का व्यू, चांद, यहाँ बैठे हुए चाश की नमाज पढ़ने के लिए। एक खूबसूरती चेक करें आप, तारीख वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये व्यू, ये मौसम बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से अच्छा मौसम है। सर्दी लग रही है सुबह सुबह यहाँ पर। और ये व्यू की देखने के बाद ही कुछ और है, वाकई यहाँ से वापस आने का किसका दिल करेगा। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, अभी रश कम है, आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंजर। यानी सुबह का जो मौसम ठंडा ठंडा, और ये मस्जिद खूबसूरत मस्जिद है ना, ये लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते इसकी खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। एक एक चीज़ को बंदा देखते जाए देखता ही रह जाए, दंग रह जाए, दंग कहते हैं ना वो हो जाए। बहुत ही अल्लाह ताला आप सबको मौका दे कि आप लोग इस तरह की जगहों में आए। आमीन। इस व्यू अब तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन हसीन तरीन व्यू मेरी लाइफ का, सन यानी जितना आप वीडियो में देख रहे हो ना उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये रियलिटी में है, जो लफ्ज़ों से बयान ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सामने सन है, मस्जिद है, मस्जिद नबी है, उफ इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। ले रहे थे हम लोग सबके क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। सुबह हो गई है, 8 बजे होंगे अभी, 8 बजे 7 बजे अभी जोहर की नमाज़ हो रही है और हम लोग नमाज़ पढ़ने निकलते हैं जमात के साथ। यहाँ के मैंने कबूतर के साथ वीडियो बना ली है, लोगों की असर हो गई है। अब हम कुछ खाएंगे, सुबह का नाश्ता हमने इतना खास कुछ किया नहीं था क्योंकि हम लोगों ने जोर के बाद थोड़ा लेट बैठ गए थे, आराम कर रहे थे, भूख भी नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कम भूख लगती है, लेकिन वजन मेरा फिर भी बढ़ रहा है 4-5 किलो मुझे लग रहा मेरा बढ़ गया होगा। कह रहे नहीं खाऊंगे मैं ये वजन की, आज टेंशन नहीं कर रही यहाँ पर, वो हम पाकिस्तान जाके टेंशन लेंगे उसको कम करेंगे। हरियाणा में फूल खाने पीने में कोई वो नहीं कर रही हूँ। हम जा रहे हैं अभी अलबैग मदीना का देखने, किधर है फिर देखेंगे, फिर वहाँ कुछ खाएंगे। बड़ा बड़ा बिग बैग सुना है मैंने खाने का, सोचा या नहीं खाने का, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, ढूंढ रहे अभी हम, सर्चिंग कर रहे हैं। होटल से काफ़ी दूर आ गए हैं, सिर्फ पहले अलबैग खाने के लिए, मतलब सुबह का नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी थी उसके साथ, वो डाइट बिस्कुट थे वो लिए थे। और अभी 4:30 हो रहे हैं, 15 रियाल 1 किलो। कौन सी है वो? अजवा रेपू बना रहा, अजवा हर जगह 40 या 25 रियाल की है, अजवा ये कह रहा है 15 रियाल, पाकिस्तानी तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, 15 रियाल पर किलो दे रहा है वो अजवा। ठीक है सही है, यहाँ देखिए इतना रश है और डाइट बुक के साथ ये रश बर्दाश्त करना है मैंने, ये होता है। हमने बिग बैग ले लिया है, कोई 1 घंटा लगा है हमें लाइन में लग के इसको लेने में, 2 घंटे का मार्जिन बस सही है भाई, 2 घंटे का मार्जिन रख के आना भाई, भूख से जान निकल रही है यहाँ पर। और ये क्लाउड चेक करें आप, वो जबरदस्त, वो भी इनकी बिग बैग, बिग बैग ये लो बच्चों,
बैठ के बैठने वाला सिस्टम भी नहीं रखा हुआ भाई इन्होंने। खैर हम लोग ये खा रहे हैं बिग बैग जी, बड़ा है बच्चों, फ्रेंच फ्राइज बांटो तुम लोगों को और बहुत ही यम्मी है, मज़ेदार है। इन्हें अगर वेटिंग करके लोग ले रहे हैं ना, समझ आ रहा है क्यों ले रहे हैं। मज़ा आ गया था बिग बैग, और उसके साथ हमने ये ब्रूस लिया था, पर ज़बरदस्त लग रहा है ये भी। वो मैंने मेरी बहन का रह गया क्योंकि सो मच हैवी, बच्चों ने तो खा ली है, और ये था यम्मी। हम ये रात में खाएंगे, इंजॉय करेंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। और हाईली हाईली रिकमेंडेड, अगर इतना रश है ना तो मतलब वाकई ही वर्थ इट है इतना इंतज़ार, बहुत ही मज़े का, रिजनेबल है, पेट भर गया आपका, एक टाइम का खाना खाते खाया मैंने और मुझे लग रहा है वसूल हो गया मेरा, ना वज़न बढ़ेगा ना कुछ होगा, फुल हैवी मील तो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, हो गया होगा मेरा तो। है नमाज पढ़ी हम लोगों ने मगरिब, मगरिब ईशा एक साथ नमाज पढ़ी, और अब यहाँ बन गई चाय, और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थक गए हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह लिए हैं रिलेटिव के लिए, ये भी एक ज़रूरी होता है, गिफ्ट लो, ये लो, वो लो। अल्लाह हाफिज़।